आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे आफ्टर इफेक्ट एंड ब्लेंडर का यूज करके एक सिंपल VFX वीडियो क्रिएट कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस। तो फर्स्ट आपको स्क्रिप्ट फाइल डाउनलोड कर लेनी है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। इसकी हेल्प से हम अपने ट्रैकिंग डेटा को आफ्टर इफेक्ट से ब्लेंडर में लेकर जाएंगे। स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करने के लिए आपको फाइल में जाना है, देन स्क्रिप्ट एंड इंस्टॉल स्क्रिप्ट फाइल, और अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ। फुटेज इंपोर्ट करने के बाद आपको उस पर राइट क्लिक करना है एंड ट्रैक कैमरा पे क्लिक कर देना है। फिर आपको एडवांस में जाके डिटेल्स एनालिटिक्स वाले ऑप्शन को ऑन कर देना है। आफ्टर ट्रैकिंग डन, यू विल सी सम ट्रैकिंग पॉइंट्स अपीयर ऑन योर व्यूपोर्ट। तो आपको इनमें से कुछ पॉइंट्स को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है और क्रिएट सॉलिड एंड कैमरा वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब आप देख सकते हो हमारा कैमरा परफेक्टली ट्रैक हो चुका है। अब हम इस सॉलिड को अपने ग्राउंड से अलाइन करेंगे, और उसके लिए आपको सॉलिड लेयर को सिलेक्ट करके R प्रेस करना है और इसके ओरिएंटेशन को ग्राउंड के हिसाब से मैच कर देना है। हम इस ट्रैकिंग डेटा को ब्लेंडर में लेकर जाएंगे, तो हम जाएंगे फाइल में एंड स्क्रिप्ट और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, और यहां से मैं अपनी फाइल को नाम दे देता हूं और इस होल कॉम्प को टिक करके एक्सपोर्ट कर देंगे। फिर ब्लेंडर को ओपन करेंगे और इसकी पाइथन स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करने के लिए हम जाएंगे एडिट, प्रीफ्रेंसेस, एडन्स एंड इंस्टॉल, और अपनी फाइल को सिलेक्ट करके इंस्टॉल करेंगे। इसे चेक करने के लिए हम फाइल में जाके एंड इंपोर्ट में जाएंगे, एंड एज यू कैन सी वी हैव एन ऑप्शन टू इंपोर्ट आवर आफ्टर इफेक्ट कंपोजिशन। तो हम इस पे क्लिक करेंगे और अपने ट्रैकिंग डेटा को इंपोर्ट करेंगे। फिर हम इस वीडियो को और इसके एम्प्टी को यहां से एक्सप्रेस करके डिलीट कर देंगे। फिर हम आउटपुट प्रॉपर्टीज में जाएंगे और अपनी वीडियो की सेटिंग को चेंज करेंगे सेम एज आफ्टर इफेक्ट कॉम्पोजिशन। तो मेरी वीडियो का साइज 1080 by 1920 पिक्सल है और FPS मेरा 30 है, तो मैं इसे सेट कर देता हूं। बट एज यू कैन सी अभी हमारा सीन वर्ल्ड ओरिजिन से प्रॉपर अलाइन नहीं है। इसे अलाइन करने के लिए मैं शिफ्ट प्लस ए प्रेस करके एक एम्प्टी लूंगा और मैं इस कैमरे के एम्प्टी को सिलेक्ट करूंगा और इसके सारे की फ्रेम्स को वन फ्रेम आगे कर दूंगा, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट का कॉम्पोजिशन फ्रेम वन से स्टार्ट होता है। फिर मैं प्लेन के एम्प्टी को सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट प्रेस करके कैमरे के एम्प्टी को सिलेक्ट करूंगा, एंड अगेन शिफ्ट प्रेस करके इस वाले एम्प्टी को सिलेक्ट करूंगा, एंड कंट्रोल पी प्रेस करके ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म में क्लिक कर दूंगा, जिसे प्लेन और कैमरा इस लास्ट वाले एम्प्टी से पेरेंट हो जाएगा। अब हम अपने सीन को मूव कर सकते हैं, तो हम इसे वर्ल्ड ओरिजिन से प्रॉपर अलाइन कर लेंगे। अलाइन करने के बाद हम कैमरे को सिलेक्ट करेंगे और इस कैमरे वाले ऑप्शन में जाके बैकग्राउंड इमेजेस को ऑन करके अपनी वीडियो को इंपोर्ट करेंगे। अब हम अपने टर्टल के मॉडल को यहां इंपोर्ट करेंगे, तो मैं राइट क्लिक करके न्यू कलेक्शन बना लेता हूं और अपने मॉडल को यहां इंपोर्ट कर लेता हूं। बट एज यू कैन सी ये काफी स्मॉल है, तो हम इसके आर्मेचर को सिलेक्ट करेंगे एंड इसे कीबोर्ड से प्रेस करके स्केल अप करेंगे और कंट्रोल ए प्रेस करके ऑल ट्रांसफॉर्म में क्लिक कर देंगे। बट अगर आप इसके एनिमेशन को देखें तो ये 85 फ्रेम पर स्टॉप हो जा रहा है। इसे कंटिन्यू करने के लिए हम यहां से दो पे शीट में जाएंगे और सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके शिफ्ट ई प्रेस करेंगे और इस मेक साइकिल एफ मॉडिफायर को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम इसे प्ले करके देख लेते हैं। ओके नाइस, अब ये कंटिन्यूसली प्ले हो रहा है। अब मैं इस टर्टल के एनिमेशन को स्लो करूंगा बिकॉज मैं इसका साइज लार्ज रखने वाला हूं और लार्ज ऑब्जेक्ट स्लो मूव करते हैं, तो उसके लिए अगेन हम सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करके इसे स्केल कर लेंगे, तो हमारा एनिमेशन स्लो हो जाएगा। अब हम अपनी टाइमलाइन में वापस आ जाते हैं। ओके, हम इस टर्टल के टेक्सचर्स को अपलोड करेंगे, तो हम यहां से शेडिंग विंडो में जाएंगे और न्यू मटेरियल ले लेंगे एंड प्रिंसिपल BSDF नोड को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करेंगे और सारे टेक्सचर्स को इंपोर्ट कर लेंगे। अब अगर हम मटेरियल प्रीव्यू में जाएं, एज यू कैन सी हमारे टेक्सचर्स यहां पर आ चुके हैं। ओके, अब हम वापस अपने लेआउट में आ जाते हैं। अब मैं इस टर्टल को पाथ दूंगा जिसमें से होकर ये ट्रैवल करेगा, तो मैं इन दोनों कलेक्शन को ऑफ कर लेता हूं और शिफ्ट प्रेस करके बजियर कर्व ले लेता हूं। अब हम एडिट मोड में जाएंगे और एक्स प्रेस करके इस कर्व को डिलीट कर लेंगे और इस ड्रॉ कर्व वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे
और कर्व ड्रॉ करेंगे। फिर इस कर्व को 3D स्पेस में एडजस्ट कर लेंगे जहां पर हमें अपने टर्टल को ट्रैवल कराना है। एंड टर्टल वाले कलेक्शन को ऑन करेंगे और आर्मेचर को सिलेक्ट करेंगे और इस कंस्ट्रेंट वाले ऑप्शन में जाएंगे और फॉलो पाथ कंस्ट्रेंट ले लेंगे। एंड टारगेट में कर्व को ले लेंगे और एनिमेट पाथ पर क्लिक कर देंगे। ओके, तो अब अगर हम इसे प्ले करें तो आप देख सकते हो टर्टल कर्व पाथ को फॉलो कर रहा है। और अगर आपको इसकी स्पीड को कंट्रोल करना है तो आप कर्व को सिलेक्ट करके इस एनिमेट पाथ वाले ऑप्शन में जाकर अपने फ्रेम्स को एडजस्ट कर सकते हो और इसे कॉपी पेस्ट करके इसके मल्टीपल डुप्लीकेट्स भी बना सकते हो जितने आपको रखने हैं। और इसी सेम मेथड का यूज करके आप अपनी शार्क्स को भी एनिमेट कर लीजिए। ओके, शार्क एनिमेशन इज डन। अब हम इसके जॉ को एनिमेट करेंगे। जॉ को एनिमेट करने के लिए हम इस शार्क के आर्मेचर को सिलेक्ट करेंगे एंड पोज मोड में जाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में जाएंगे और इन फ्रंट पे टिक कर देंगे जिससे आर्मेचर हमें प्रॉपर शो हो। एंड जॉ बोन को सिलेक्ट करेंगे एंड आई प्रेस करके एक की फ्रेम लगा लेंगे। एंड आगे आएंगे एंड इसे थोड़ा रोटेट करके यहां पर भी एक की फ्रेम लगा लेंगे। ओके, तो हमारा एनिमेशन रेडी है। अब हम अपने ग्राउंड को ऑन करेंगे एंड इसे स्केल करेंगे ताकि ये हमारे ऑब्जेक्ट की शैडो को प्रॉपर कैच कर सके। एंड ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में जाके शैडो कैचर को ऑन कर देंगे। बट हम रेंडर व्यू में जाएं तो आप देखेंगे कि ये प्रॉपर ब्लैक है क्योंकि हमने यहां पर कोई भी HDRI लाइट नहीं डाली है। तो लाइट को मैच करने के लिए हम शेडिंग टैब में जाएंगे और यहां से हम वर्ल्ड में जाएंगे और न्यू टेक्सचर लेंगे। एंड यहां पर हम एक एनवायरनमेंट टेक्सचर लेंगे और अपनी HDRI फाइल को ओपन करेंगे। तो मैंने इस HDRI को टेक्सचर हेवन से डाउनलोड किया था। आप अपने सीन की लाइटिंग के हिसाब से HDRI डाउनलोड कर लेना। HDRI को रोटेट करने के लिए हम इसे सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो यहां पर मैपिंग नोड आ जाएगा। अब हम इसे रोटेट कर सकते हैं। एंड लास्टली हम फिल्म में जाके ट्रांसपेरेंट को ऑन कर देंगे। तो हमारा एनिमेशन रेडी है। तो हम लेआउट में जाके अपनी आउटपुट सेटिंग करके रेंडर एनिमेशन पे क्लिक कर देंगे। तो मैंने अपना एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट कर लिया है। अब हम चाहते हैं कि ये शार्क हमें लेकर जाए तो उसके लिए हम अपनी मेन लेयर को डुप्लीकेट करेंगे और इस लेयर को हम सिर्फ उतना ही रखेंगे जितना शार्क का मुंह हमें दिख रहा है। बाकी पार्ट को कट कर देंगे और इसे रिनेम कर लेंगे। अब रोटो ब्रश में जाएंगे और इस लेयर को रोटो कर लेंगे। फिर इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसकी पोजीशन पर की फ्रेम लगाकर एनिमेट कर लेंगे। अब इसे हिट इफेक्ट देने के लिए पपेट पिन टूल को सिलेक्ट करेंगे और कुछ पपेट पॉइंट्स लगा लेंगे और फर्स्ट फ्रेम में हम की फ्रेम लगाएंगे। एंड कुछ फ्रेम्स आगे जाके हम इन पपेट पॉइंट्स की पोजीशन को चेंज कर देंगे और की फ्रेम लगा लेंगे और इस लेयर की मोशन ब्लर को ऑन कर देंगे। ओके, तो अब हमें अपने आप को बैकग्राउंड से रिमूव करना पड़ेगा। तो मैंने फोटोशॉप से अपने आप को रिमूव किया है। आप आफ्टर इफेक्ट में कंटेंट अवेयर फिल का यूज कर सकते हो ऑब्जेक्ट रिमूविंग के लिए। एंड मैं थोड़े से ब्लड इफेक्ट एड कर लेता हूं जो मैंने फुटेज क्रिएट की वेबसाइट से डाउनलोड किया था। एंड लास्टली हम थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग करेंगे और हमारी वीडियो रेडी है। एंड दिस इज फाइनल आउटपुट।